साइली, बताइए साइली के सोल्जर से किसे भेजना चाहती हैं? आदि भैया, मेरी टीम से मैं उसे बुलाना चाहूंगी जो मेरी बहन जैसी ही है, बहुत ज्यादा सुरीली, और मेरी प्यारी विश्वजा जाधव, और उसके साथ मैं खुद परफॉर्म करूंगी। वाओ,
चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, आर्य नंदा बाबू, और उनके साथ आ रही हैं अरुणिता कांजीलाल। लगता है कि वक्त से बड़ा कोई क्रिटिक नहीं होता, क्योंकि 1998 में गली में आज चांद निकला ये धुन जो है एमएम करीम साहब ने कंपोज की थी, बख्शी साहब ने उसके लिरिक्स लिखे थे, और मुझे याद आता है कि जब मैंने सिचुएशन समझाई हिमेश, तो हमने अपनी पर्सनल लाइफ से निकाल के कहा था कि हमारे पिताजी कभी कभी आते थे घर, तो माँ कहती थी जैसे उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसा होता था माँ का कैसे जैसे गली में चांद निकल आया है। तो मैंने कहा महेश यही तो मुखड़ा है। कैसे क्या? तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। 98 में कंपोज हुआ गाना जो है, अगर आज इन बच्चों के जहन में गूंज रहा है बड़ा साउंड, तो कहीं दिल की बात आज भी दिल तक पहुंचती है। बिल्कुल, गली में आज चांद निकला जब आप गा रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हमको अपनी हमारी माँ याद आ गई।
इतना ऊपर है उससे 10,000 टाइम नीचे ज्यादा गहरा है क्योंकि ये जो अंतरा जो है ना तू मिलेगा जी, ये अंतरा एमएम क्रीम का है जी। और एमएम क्रीम की खासियत ये है कि मुखड़ा तो वो कमाल का बनाता ही, मगर बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे हैं जो अंतरे में ऐसी उड़ान लेते हैं। तो ये इसने जिस अंदाज से अंतरा गाया ना, उसकी बारीकियां उसने बहुत समझी, लफ्जों को बहुत महसूस करके गाया। इतना सब अच्छा है मगर वो जमीन के नीचे जितना है ना, आइसबर्ग की तरह, टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो जो नजर नहीं आता है वो सुरों का भंडार वहां पर। थैंक यू सर।
बहुत अच्छे। इसने एक बात सिखाई मुझे कि एक शेर याद आता है मुझे जी, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। देखो इसके गाने का अंदाज हिमेश ये है कि गाता है जैसे ब्रह्मांड को सुना रहा है, उसने अपना अंदाज नहीं छोड़ा। मेरे महबूब चुदा दा 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 दी, अपना स्पेस मत छोड़ना बेटा, किसी के लिए नहीं छोड़ना, कोई भी चैलेंज हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दुनिया हिला दी जाए। थैंक यू प्रांजल, थैंक यू पवनदीप।
चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, किशोर दावाली मैडनेस, किशोर दावाला अंदाजे खास, छोटे किशोर रोहन दास। और उनके साथ आ रहे हैं वो जो मिक्सर की आवाज पे धर्म जी के डांस स्टेप्स का लेते हैं आनंद, प्रत्युष आनंद। अपने दो दोस्त याद आ गए, एक तो खास विनोद खन्ना, जिसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस मंच पे बैठा ही नहीं होता। और बप्पी लहरी साहब, बप्पी जी ने अपना सफर शुरू किया था और ये गाना उन्होंने दिया था, इतने एंथुजियास्टिक म्यूजिक डायरेक्टर थे वो। तो ये दो जो साथी थे, जिन जो हमारे हम सफर थे, ये बच्चों के होठों से ये गाना सुना हमने, तो बप्पी जिंदा है, विनोद खन्ना जिंदा है, तो अच्छा काम जो है वो अमर होता है। तो थैंक यू, आपने मुझे अपने दो यारों से दोबारा मिला दिया। थैंक यू वेरी मच। फॉर दिस सॉन्ग एंड फॉर द मेमोरी ऑफ The little boy Vikram Bhatt in Darjeeling, I would like to hit this. Yes. Whoa. चलिए फिर हिला दीजिए। दुनिया हिला दे। हिला दे। आज हम सभी को बेहतरीन म्यूजिक देने वाले इस शख्सियत को सुपरस्टार सिंगर 2 दे रही है एक म्यूजिकल सलामी। जागे कब सो गए,
मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए आवाज दो हमको हम खो गए सब है सुबह है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहाँ है तू ही मेरी दुनिया तू वक्त मेरे लिए मैं हूँ तेरा लम्हा कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा कोई बात चले जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम तेरा साथ मेरा तो हम मैं कोई For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.